हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का टॉपिक है स्टार वैल्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए, चाहे वो मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो या ना रखते हो। तो दोस्तों आज हम इसी स्टार वैल्यू के बारे में जानेंगे। गाइज, अगर आपने कभी एक नए मोबाइल फ़ोन को अनबॉक्स किया होगा ना, तो वहाँ पे आपने बॉक्स कंटेंट में देखा होगा कि लिखा होता है स्टार वैल्यू। इसके अलावा जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को उस बॉक्स से नए नए निकालते हो ना, तो उसके बैक पैन में भी एक स्टिकर चिपका हुआ रहता है, जहाँ पे IMEI नंबर पहले लिखा होता है और उसके बाद लिखा होता है स्टार वैल्यू। तो यार स्टार वैल्यू का जो स्टार है ना, उसका पूरा नाम है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। और यहाँ पे दोस्तों इसको यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए कि भाई मोबाइल की कितनी रेडिएशन हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। और यहाँ पे इसको मेज़र करने के लिए एक इक्वेशन आती है, और वो है स्टार वैल्यू टू वाट पर केजी। यहाँ पे दोस्तों जो वाट है ना, वो मेजर करती है रेडियो फ्रिक्वेंसी को, और आप बोल सकते हैं कि मोबाइल रेडिएशन को। इसके अलावा जो केजी है ना, वो हमारे बॉडी के टिश्यूज है जिसको वो हार्म करती है। तो गाइज अब मैं आपको बता दूं कि जो अलग अलग कंट्रीज है ना, उसके अपनी अपनी एक स्टार वैल्यू जो फिक्स है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट ने कर रखी है। अब जैसे कि इंडिया, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने फिक्स किया है 1.6 वाट पर केजी। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर 1.6 वाट की मोबाइल रेडिएशन हुई या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी हुई ना, तो हमारे बॉडी की 1 kg टिश्यू एब्जॉर्व कर लेंगी। अब यहाँ पे दोस्तों घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है ना, उससे कम ही होती है स्टार वैल्यू। आप चेक कर सकते हो अपने बॉक्स कंटेंट में, या फिर दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन के डायल पैड में टाइप कीजिए *#07# और आपको आपके मोबाइल फोन की स्टार वैल्यू नजर आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको दो तरह के स्टार वैल्यू नजर आएंगे, एक होगा बॉडी स्टार, एक होगा हेड स्टार। तो यहाँ पे दोस्तों दो स्टार होते हैं बेसिकली ना। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाउ इट इज वर्क में, कि ये किस तरीके से दो स्टार होते हैं। गाइस शायद आप लोगों को पता हो कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर में ना एक एंटीना होती है, इसका काम होता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना और रिसीव करना सेल टावर से। तो यहाँ पर तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, बिल्कुल वायरलेसली होती है। तो इसके लिए काम में लिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जिसको हिंदी में कहते हैं तरंगे। इसके अलावा आप इसको ये भी कह सकते हो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो मान लो कि दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन ने 120 वाट की फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो सिग्नल है, उसको ट्रांसमिट किया सेल टावर को। तो अब सेल टावर ना 120 वाट को रिसीव नहीं करेगा, वो कितना करेगा, सिर्फ और सिर्फ 100 वाट को करेगा, यानी कि 20 वाट हवा में ही डाइवर्ट हो गई। अब जो वो डाइवर्ट हुई ना, वही काम होती है रेडिएशन की। अब उसमें से जो कुछ डाइवर्ट हुई ना, उसमें से कुछ परसेंट हमारे बॉडी के टिश्यू ने एब्जॉर्ब कर लिया, और इस तरीके से ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल बन जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि एक होती है हेड स्टार और एक होती है बॉडी स्टार। हेड स्टार का प्रॉब्लम हमें तब होता है जब हम अपने मोबाइल फोन को कान पर लगा करके किसी से बात कर रहे हो। तो क्या होता है कि जो सिग्नल है वो लगातार ट्रांसमिट एंड रिसीव हो रही है, ऐसे में जो सिग्नल डाइवर्ट हो रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे हेड की जो टिश्यू है उसको एब्जॉर्व कर रही है। तो ऐसे में हेड स्टार होती है। और अगर हम बात करें दोस्तों बॉडी स्टार की, तो जब हम अपने मोबाइल फोन को अपने पॉकेट में, शर्ट के पॉकेट में या फिर पैंट्स के पॉकेट में रख लेते हैं ना, तब भी जो है सिग्नल्स ट्रांसमिट होते रहती है। ऐसे में उस समय भी हमारे जो सिग्नल्स डाइवर्ट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के टिश्यू को एब्जॉर्व कर रही है। तो भाई इसके बचने का 2-3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि अपने मोबाइल को अपने आप से ज्यादा से ज्यादा दूर रखिए। इसके लिए आप जब किसी से बात करें तो उसको स्पीकर में रख के बात करें, या फिर हेडफोन्स का यूज करें। इसके अलावा कर सकते हैं कि जब भी अपने मोबाइल फोन को आप पॉकेट में रखें, तो वहां पे फ्लाइट मोड ऑन कर ले, ताकि सिग्नल्स को ट्रांसमिशन ना हो पाए। तो यार ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है स्टार वैल्यू। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।